हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये है कि शेवरलेट बीट की कूलिंग कोयल बिना खोले किस तरीके से क्लीन करी जाए। तो चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं वो शुरू, क्योंकि बीट की कूलिंग कोयल दोस्तों इतनी जल्दी आसानी से साफ नहीं होती है, इसके लिए पूरा डैशबोर्ड ओपन करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं एक तरीके से जो है कूलिंग कोयल जो है क्लीन करने का एक लेके आया हूँ घर में, अपने आप तरीके से साफ करने का जो है एक आसान सा तरीका, जिसे आप खुद भी घर पे कर सकते हैं, नॉर्मली कोई भी कर लेगा। तो देखो तरीका दोस्तों ये है कि वीडियो लंबी ना करते हुए तरीके से काम पे आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले आपने अपना ये डैशबोर्ड का जो ग्लव बॉक्स होता है इसको ओपन कर लेना है, ये आसान से खुल जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो इसमें वेंटिलेशन का जो आप ये देख रहे हैं, जो नीचे मतलब फ्लोर पे जो इससे जो हवा एयर की जो हम कर लेते हैं इसी की हवा, इसको खोलना है। ये एक स्क्रू लगा होता है यहाँ पे, ये मैंने खोल लिया पहले से। और उसके बाद एक लॉक होता है, वो लॉक को हटा लेना यहाँ ऊपर से, और ये पूरा ऐसे पूरा ओपन हो जाता है ऐसा। और उसके बाद दोस्तों ये जो है 2010 मॉडल बीट है, पेट्रोल वाली। कईयों में ये जो आप देख रहे हैं सामने दो स्क्रू वाला, ये सामने की ओर है, और हो सकता है 11 मॉडल के बाद जो है चेंज हुआ है वो यहाँ नीचे जहाँ पे ये फैन की जगह पे, ये फैन ये देखिए, और हो सकता है कि वो इस जगह पे हो। तो चीज ये है, उसमें भी ये दो स्क्रू लगे होंगे, इसमें भी दो स्क्रू लगे हैं। ये दो स्क्रू खोल लेने दोस्तों, ये देखो अपना इसके स्क्रू खोल लिए, तो इसको इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फैन की जो स्पीड को कंट्रोल करता है, ये वो एक तरीके से आप रेगुलेटर बोल सकते हैं जो लगा हुआ है इसमें। ये फैन की जब हम स्पीड स्लो कम तेज करते हैं तो ये काम में आता है इसमें। ये देखो सामने मिल गया है, और दोस्तों इसी के जो है इसी के इस साइड पे हमारी जो है कूलिंग कोयल लगी है। इसमें बिल्कुल भी दोस्तों कोई भी साफ करने की कोई जगह नहीं होती इतनी, लेकिन फिर भी आप इसमें साफ कर सकते हैं दोस्तों। कोई ब्रश लेके, जो आजकल एक पतला सा ब्रश आता है थोड़ा लंबा, उस ब्रश से साफ हो जाती है। अब हमने करना क्या है दोस्तों, हमने करना ये है कि हमने एक लेना है जो कूलिंग कोयल जो स्प्रे आता है फोम स्प्रे, वो लेना हमने किसी भी आपको एसी के स्पेयर पार्ट की दुकान पे या गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट की दुकान है वहां पे आसानी से मिल जाता है। 200 रुपये से दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं ये, 300, 400, 450, 500 जितने का भी आपने लेना हो उस रेंज का ये मिल जाता है। तो दोस्तों मैं ये ले आया हूँ एक रूम, ये फोम स्प्रे। इसके साथ में दोस्तों एक पाइप मिलता है, ये आगे नोजल लगी होती है, और ये पाइप पूरा मिलता है, इस तरीके का होता है ये। अब हमने करना क्या है दोस्तों कि इस पाइप को जो है ये जो हमने ये हटाया था इसके अंदर से, यहां से पाइप को अंदर डालना है कूलिंग कोयल की साइड में, इस साइड में ये तरीके से। एक मिनट, मैं फोन दोस्तों मैंने खुद ही अकेले पकड़ा हुआ है। एक मिनट, पाइप को अच्छी तरह अंदर सेट कर दिया पूरा, और उसके बाद दोस्तों हमने ये जो है स्प्रे है इसको स्प्रे करना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से करना है, तो ये अंदर पूरी कूलिंग कोयल में अपने आप दोस्तों फोम बनती जाएगी, जो डस्ट वगैरह जो भी गंदगी कूलिंग कोयल में जमा होगी वो सारी जो है पानी के साथ मेल्ट होके, जैसे पानी एसी का जो पानी है वो बाहर निकलता है वहां से सारी जो गंदगी है वो दोस्तों निकल जाएगी। जैसे यहां से हमें दिखना चाहिए ये कि यहां तक फोम इस वजह से आ जाएगी, पाइप को ऐसे ऐसे करके। ये देखो दोस्तों अपने दिख रहा है वहां से जो स्प्रे हमारी सामने आ गई है, अभी सारी गंदगी है जो दोस्तों ये फोम की स्प्रे में हमारी निकल जाएगी यहां से। ये जो एसी का जो पानी जमीन पर नीचे गिरता है मेल्ट होके, मैं आपको अभी साफ दिखा देता हूँ दोस्तों। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से जो पानी मेल्ट होके सारी गंदगी जो है वो इस पाइप के थ्रू नीचे जमीन पर निकल जाएगी।
और वैसे ही दोस्तों हमें इस तरीके से करना है कि जो हमारा ये एसी का जो वेंट है इसके अंदर हमने इस तरीके से पाइप डालना है पूरा ये, और इसको डालते जाना है दोस्तों। जाके जाके पाइप रुक जाएगा ना, तो वहां से हमने इसको स्प्रे करना है। उससे क्या है कि जो कूलिंग कोयल है वो आगे की तरफ से भी साफ हो जाएगी। देखिए हमारा जो पाइप अभी अटक गया है, इस तरीके से हमने दोस्तों ये चलाना है कि जब तक ये फोम जो है बाहर ना आ जाए सारी। इस तरीके इसको हमें चलाते आना है। ये देखिए दोस्तों ये जो है हमारी फोम जो है सारी बाहर आ गई है। और इसी तरीके से दोस्तों ये दूसरे वाले में करना है। इससे कूलिंग का दोस्तों काफी फर्क पड़ता है और जो स्मेल आती है जो इस गाड़ियों में एसी की बैड स्मेल होती है वो भी काफी दूर रहती है, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस होती है। ये सारी जो है डस्ट जो है अपने साथ ले आएगा ये, और ये मेल्ट होके दोस्तों चला जाएगा, ये पानी बन जाता है दोस्तों बिल्कुल। इसी तरीके से दोस्तों अपने सारों में कर लेना है, और उसके बाद जो एसी की कूलिंग है उसमें काफी फर्क आएगा, और जो बैड स्मेल आती थी अंदर एसी में बैठते ऑन करते स्मेल वो भी सब चली जाएगी और कूलिंग हो जाएगी आपकी बेस्ट, और स्मेल भी आपको लगेगा कि हाँ हमने कूलिंग कोयल जो है वो क्लीन करी है। तब मिलते हैं दोस्तों अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।